तो हमारी विंटर क्रीम तैयार हो चुकी है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल रेडीमेड लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम DIY विंटर क्रीम बनाने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो विंटर क्रीम है और विंटर लोशन है, इसके लिए मैं दो बेसिक से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। प्रिजर्वेटिव एलोवेरा जेल और रोगने बादाम आमंड एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे हम। आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रेडीमेड यूज़ कीजिए, इससे इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर अराउंड 4 टेबलस्पून मैं एलोवेरा जेल ले लेती हूँ और उसी की हाफ क्वांटिटी में मैं रोगने बादाम ऐड कर दूंगी इसके अंदर। तो रोगने बादाम जो है हमारा 2 टेबलस्पून चले जाएगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ ज़रा जूम करके, ये देखें। अगर आपको रोगने बादाम सूट नहीं करता है तो आप यहाँ पर रोजमेरी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोजमेरी ऑयल ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट होता है। बट ये जो आमंड एक्सट्रैक्ट के जो रिजल्ट्स हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। इसके स्किन को आपके बहुत प्यारा कर देता है, बहुत हसीन बना देगा, क्लियर कर देता है ये आमंड ऑयल जो होता है आपके स्किन के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी जब तक कि बिल्कुल क्रीम टाइप कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। ये विंटर क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है और ये मैंने इतनी बनाई है कि एक हफ्ते तक चल जाएगी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा बना लें, बस रेशो आपने इतना रखना है जितना आपने एलोवेरा जेल यूज़ किया है उसकी हाफ क्वांटिटी में आपने ऑयल को यूज़ करना है। अगर आप आमंड एक्सट्रैक्ट में बनाते हैं या आप रोजमेरी ऑयल में बनाते हैं, अगर कुछ भी ना होना यार, आप कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है। किसी भी जो है एम्प्टी जार के अंदर आप कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर दें, पेट्रोलियम जार की ख़त्म हो गई थी तो मैं इसके अंदर इसको स्टोर कर लूँगी। और चूंकि मैंने रेडीमेड चीज़ें दोनों यूज़ की हैं तो मुझे ख़राब होने की भी इसको टेंशन नहीं है। मैं इसको आराम से ड्रेसिंग पे रखूँगी, फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करें तो फिर आपको डेफिनेटली फ्रिज में रखना पड़ेगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो हाथ पर डेमो देती हूँ कि ये किस तरह का रिजल्ट दे रही है। हाथों पैरों पर भी लगा सकते हैं। फुल बॉडी लोशन और क्रीम टाइप ये बन गया हमारा और ये आपकी स्किन को ना हल्की सी शाइन भी दे देगा, मतलब प्राइमर टाइप जैसे लगेगा आपने कोई सीरम लगाया हुआ है, हल्का हल्का वैसा लुक देगा। क्योंकि प्रिजर्वेटिव एलोवेरा जेल होते हैं ना, उसका इटसेल्फ एक जो है ना इसके अंदर शाइन होती है। अब यहाँ पर मैं आपको फेस पे भी थोड़ा सा रिजल्ट दिखा देती हूँ। इस वक्त मैंने कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया हुआ और मैंने फेस वॉश किया था, वो भी 2-3 घंटे हो चुके हैं। तो ये रहे इसके रिजल्ट्स। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप इस क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक भी दीजिएगा। आप इस क्रीम को 2-3 बार, जितने बार भी आपको ज़रूरत हो आप लगा सकते हैं, लेकिन बेड टाइम पे आपने इसको ज़रूर लगाना है। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन खुदा हाफिज़।